हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू बियॉन्ड द बुक्स। मैं शिवम पांडे हूँ, फिर से आज आपके सामने। सवाल ये है कि आप सोच रहे होंगे कि ये किस बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, और आप तो कह रहे हो कि नए सिस्टम में जो आया है उसके अकॉर्डिंग, जो नई गाइडलाइन आई है उसके अकॉर्डिंग, तो सर हम 16 ईयर से नियर के बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते। भाई साहब, आपने जो सुना है ना, वो कहाँ सुना है? न्यूज में। किसके थ्रू? मीडिया के थ्रू। मीडिया का रिपोर्ट कितना बैलेंस आजकल होता है ये आपको पता है? सुनी और डाल दी, क्योंकि चाहिए क्या उनको? चाहिए व्यूज। एनालिसिस नहीं करना होता है, बैलेंस रिपोर्टिंग तो भूल जाओ कि वो आपको करने वाले हैं, एक तरफा रिपोर्ट बताते हैं। फिलहाल जो भी पेरेंट, स्टूडेंट या टीचर ये देख रहे हैं वीडियो, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि एग्जैक्ट गाइडलाइन क्या है, कैसे स्मॉल ट्यूशंस वालों को कोई दिक्कत नहीं है, वो आसानी से पढ़ा सकते हैं, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और एग्जैक्टली ये किसके लिए है। आप अपने कॉलिग को ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद उनको ना पता हो और परेशान हो और अभी भी भटक रहे हैं। तो सबसे पहले एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर होता है। जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ऐसी कोई भी संस्था जो 50 से कम बच्चों को एक साथ नहीं पढ़ाती एक क्लास में, जहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 से लेस है, वो कोचिंग के डेफिनेशन में फिट ही नहीं होती। कोचिंग इंस्टीट्यूट का मतलब, जैसे एक बहुत बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां 3-4 कमरे, 5-6 बैच चल रहे हैं, 100 से लेके 1000 स्टूडेंट तक के बैच चलते हैं, 400 स्टूडेंट 500 स्टूडेंट के बैचेस चलते हैं, इन्हें कोचिंग इंस्टीट्यूट कहा जाता है। तो डर क्यों रहे हो? इंडिया में तो लाखों टीचर्स ऐसे हैं जो गली मोहल्ले के बच्चों को, 1, 2, 3, 4, 5 के बच्चों को, 9, 10, 11, 12 के बच्चों को, 20 बच्चों को, 30 बच्चों को, 4 बच्चों को, 5 बच्चों को, उनके घर पे जाके या अपने घर पे बुला के कम पैसे में 100 रुपये फीस, 200 रुपये फीस, 300 रुपये फीस मंथली पे पढ़ा रहे हैं। 30 से 40 बच्चों का ही क्राउड है, तो वो तो इस क्राइटेरिया में आया ही नहीं, तो कंफ्यूज क्यों होना? जानते क्या दिक्कत है? अब आपके पेरेंट्स ने ये न्यूज सुनी है, जो भी बच्चे आपके पास आते हैं उनके दिमाग में चल रहा होगा कि अरे अब तो सर आप पढ़ा ही नहीं सकते हैं, रूल है। और कई पेरेंट ये परेशान होंगे कि मेरा बच्चा तो ट्यूशन चाहिए क्योंकि उसकी वीक है, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही। मान लीजिए किसी गवर्नमेंट स्कूल में है तो, मान लीजिए होम स्कूलिंग में है तो, मान लीजिए बीमार है तो ट्यूशन तो रिक्वायर्ड है। तो इस केस में वो भी पेरेंट परेशान है, तो उन पेरेंट्स को भी बताइए कि ऐसा नहीं है। और नहीं तो और, अब आपकी बल्ले बल्ले है छोटी इंस्टीट्यूट की, क्यों बल्ले बल्ले है समझिए। आप 6, 7, 8, 9 तक घिस के बच्चों को पढ़ाते थे और पेरेंट्स चाहते थे कि आप उसको तोप बना दो, वो बन भी गया। उसके बाद तुरंत ये आते थे बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट वाले, और ये बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट वाले करते क्या थे? बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट वाले भ्रामक वादे करते थे कि बच्चे को IITian बना देंगे, नीट टॉपर बना देंगे। ठीक है, आपके बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, बच्चे से नहीं पूछा, पेरेंट ने लाखों रुपए फीस देके, क्लास बच्चा 8th में था तभी, उसको फाउंडेशन बैच में डाल दिया। अब ये बच्चा फाउंडेशन बैच में चला गया, इसकी कमर टूट गई, और यही हाल हुआ कि 7 से 8 बच्चों ने कोटा में सुसाइड कर लिया। अब जब ये सुसाइड के केस बढ़े तो दिमाग चौका, भन्ना आया सरकार का कि हो क्यों रहा है, कारण अलग निकला। तो सरकार ने कहा कि ऐसे कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां पे 50 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हों उनको हमारी गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। तो आप अगर उसमें नहीं आते तो परेशान ना हो, बट एक चीज याद रखिएगा कि आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स ऐसे हैं जो न्यूज देख के पगला गए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेरेंट हैं, क्योंकि कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको फीस वीस देने में बड़ी दिक्कत होती है, तो आप गांव में पढ़ा रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक, कहीं भी पढ़ा रहे हैं 10 बच्चों 15 बच्चों को, आराम से पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके कोई पेरेंट है तो उसको ये बात समझाइए, ये वीडियो शेयर कीजिए कि गाइडलाइन पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फीस का कुछ क्राइटेरिया, अब क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं छोटे टीचर्स के लिए जो 15-20 बच्चे 50 बच्चे। अब कुछ टीचर्स कहेंगे सर मैं एक साथ 60 बच्चों को पढ़ाता हूँ, जब तक आपके खिलाफ कंप्लेन ना हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे 60 पढ़ाते हो, 40+20 का बैच बना लो, थोड़ी सी कम लालच कर लो, क्योंकि पेरेंट्स अनजान है, वो कंप्लेन पक्का कर देंगे, बच्चा पक्का कंप्लेन कर देगा,
और फिर क्या दिक्कत हो जाएगी, पुलिस वाला आके आपसे 500 हजार रुपए लेके चला जाएगा, परेशान भी करेगा। तो थोड़ा सा इसमें आप अरेंजमेंट कर लीजिए, फीस की एक गाइडलाइन बना दीजिए यार, फीस की एक गाइडलाइन बना दीजिए कि ठीक है अगर आप आधे पे छोड़ के जाते हो, मान लीजिए आप साल भर में 10 हजार रुपए फीस वसूलते हो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर बच्चा बीच में छोड़ के जा रहा है तो उसको 2-4 हजार वापस कर दीजिए ना, मगजमारी मत पालिए, कोशिश कीजिए कर दीजिए। अब कोई 100-200 रुपए फीस लेता है, उसके पेरेंट मांगने भी नहीं आएंगे और उसमें कोई झिकझिक भी नहीं करेगा, तो इतनी दिक्कत नहीं है। जब आपकी फीस मोटी होती है वहां ये प्रॉब्लम्स आती है। तो कोई दिक्कत, जो पढ़ा रहे हैं पढ़ाइए, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है जैसे कर रहे हैं। अच्छा, और सुनिए, ऑनलाइन ट्यूशन की तरफ बढ़िए। ऑनलाइन ट्यूशन के लिए कोई गाइडलाइन आई ही नहीं है, ऑनलाइन ट्यूशन चल सकती है। जो कॉलेज के स्टूडेंट वगैरह होम ट्यूशन पढ़ाते हैं वो भी पढ़ाए, होम ट्यूशन पढ़ाने की भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, होम ट्यूशन पढ़ाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप होम ट्यूशन आसानी से पढ़ा सकते हैं, जैसे पैसे कमा रहे हैं गली मोहल्ले में पढ़ा रही है पढ़ा सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। जो बड़ी इंस्टीट्यूट है उनके लिए गाइडलाइन क्या है, सीधी बात है, जितने बच्चे हों उनको मिनिमम 1 स्क्वायर मीटर की आप जगह दें, 16 साल से नीचे के बच्चों को मतलब फाउंडेशन बैच जैसी चीजें बंद कर दें आप, ठीक है, ऊपर से 1 स्क्वायर मीटर की जगह दें। आपका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं भाई, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपके ऊपर चार्जेस लगेंगे। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के अलावा और क्या आपको करवाना है, रजिस्ट्रेशन के अलावा अब आपको करवा लेना है कि आपकी एक वेबसाइट होनी चाहिए। वैसे जितनी भी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है आजकल छोटी मोटी सबकी वेबसाइट होती है, वेबसाइट पे टीचर्स की प्रोफाइल अपलोड होनी चाहिए, पूरी उनकी जानकारी होनी चाहिए, प्लस टीचर ग्रेजुएशन से नीचे नहीं होना चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्रेशर उठा लें 12th का बच्चा और उसी से पढ़वाने शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ डेकोरम मेंटेन कीजिए, फायर सेफ्टी का मेंटेन कीजिए, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन दीजिए उनको, ये सारी गाइडलाइन जो एक पढ़ने के एनवायरमेंट के साथ साथ चाहिए। जो छोटे इंस्टीट्यूट वाले जो घर पे पढ़ाते हैं उनको भी मैं बोलूंगा लालच करके क्राउड ही ना करें, नहीं तो किसी पेरेंट ने कंप्लेन कर दिया तो पुलिस इतना सुनती उनती नहीं है और पेरेंट्स इकट्ठा हो गया तो इशू बन जाएगा, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन का 10 मतलब निकाला जाता है, ठीक है, आप सबको जागरूक नहीं कर सकते। तो छोटे वाले भी भाई देखिए बहुत क्राउडी ना करें, उसको मारे पीटे ना, बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट ना क्रिएट करें, शांति से अपना व्यवसाय चलाइए, ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी की कोई डाउट्स के लिए आप कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाता है, और एज वेल एज ऑनलाइन टीचिंग सीखना हो तो मेरी ऑनलाइन टीचिंग के लिए पूरी प्लेलिस्ट बनी, आप उसके थ्रू भी जाइए एक बार, क्योंकि ऑनलाइन टीचर फ्यूचर है, तो ऑनलाइन ट्यूशन के थ्रू आप जरूर जाएं, ठीक है। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, बाकी की जानकारी के लिए आप प्लीज कमेंट करें, मैं उसके हिसाब से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। सो बाय एवरीवन, हैव अ गुड।